एक गांव के बाहर एक सुनसान जगह थी। वहां एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल का अपना एक बागान था जहां वो सब्जियां उगाती थी, पर दिन में वो चुड़ैल आम औरतों की तरह ही रहती थी। वाह, क्या सब्जियां उगाती हूँ मैं, मेरे जैसी सब्जी कोई नहीं उगा सकता। अब ये पूरा गांव मेरे हक में होगा। फिर वो चुड़ैल आम औरत की तरह एक टोकरी में सब्जी भर के गांव में बेचने निकल पड़ती है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा सब्जी तो दे दी जाओ, इतने नखरे में कहाँ जा रही है बिना सब्जी दिए। बस आपके पास ही आ रही थी, ले लो जो सब्जियाँ चाहिए, सस्ती दे दूंगी। फिर कुसुमा सब्जी वाली चुड़ैल से सब्जी ले लेती है। अंधेरा होते होते सब्जी वाली वापस अपने घर जाने लगती है। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। आखिर मैंने सब्जियां बेच ही दी, अब सब देखेंगे मेरा कमाल। वहीं दूसरी तरफ कुसुमा उस चुड़ैल सब्जी वाली से जो सब्जियां खरीदती है उसे रात के खाने में पकाती है। सबको खाना परोसा जाता है। अरे वाह, आज सब्जी का तो स्वाद ही अलग है। आज तो लग रहा है मैं खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी ना खा जाऊं। ये सारी बातें चुड़ैल उनके घर के बाहर खिड़की से देख रही होती है। वो डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर देती है। खाओ खाओ, मजे से खाओ, तभी तो आएगा मजा। खाना खाने के बाद जैसे ही राकेश के कान में उस चुड़ैल की आवाज पड़ती है, राकेश अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। राकेश का शरीर ऐंठने लगता है और वो कुसुमा को गुस्से से देख रहा होता है। ए, यहाँ मेरे पैर दबा ठीक से, पड़े पड़े चर्बी चढ़ती जा रही है तुझे, पति की सेवा नहीं कर सकती तू? अरे यो नवाब, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, मैं पैर दबाऊं तुम्हारे? जबान चलाएगी ज्यादा? बोल, चल चुपचाप पैर दबा मेरे, जब तक मैं सो ना जाऊं। कुसुमा राकेश का खौफ खाकर चुपचाप उसके पैर दबाने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, लड़ो लड़ो तुम दोनों आपस में, जितना तुम लड़ोगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ेगी। फिर चुड़ैल उड़ती हुई वापस अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल वापस सब्जी वाली के रूप में गांव में सब्जी बेचने आती है। आज तो और भी ज्यादा सब्जियां बेच के जाऊंगी, जल्द ही ये गांव पूरा का पूरा मेरा होगा। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, जरा दिखा तो क्या क्या सब्जी लाई है। अरे बहन जी, बहुत सस्ती और ताजी सब्जी है, एक बारी खा के तो देखो, याद करोगी मुझे। फिर रमा उससे सब्जियां ले लेती है। इसी तरह और भी घर की औरतें उस चुड़ैल सब्जी वाली से सब्जियां ले लेती हैं। रात होने पर चुड़ैल रमा की छत के ऊपर से उनके घर में देखती है और डरावना माहौल बनाने लगती है। अजी, आज का खाना मैंने आपकी पसंद से बनाया है, जरा खा के तो बताइए कैसा लग रहा है। अरे भाग्यवान, तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर खाना खाते ही जैसे वो भी चुड़ैल की आवाज सुनता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो रमा को पीटने लगता है। अजी आप ये क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया है, छोड़ो मुझे, अजी छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। बहुत समझदार समझती है खुद को, मुझे पागल समझती है। कितना मजा आ रहा है, अब तो ये सब रोज होगा, वो भी हर घर में।
अगले दिन, अरे रमा बहन, तुम्हारे ऊपर ये निशान कैसे हैं? चोट लगी है। अब क्या बताऊं बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं मेरे पति को अचानक क्या हो गया, मेरे साथ मारपीट करने लगे। अरे बहन, मोहन भैया तो कितने गऊ आदमी है, अब वो कैसे? पर इसमें कोई शक नहीं है, 2 दिनों से मेरे पति का रवैया भी बदल गया है। वे मेरे साथ ज्यादती करने लगे हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। उन दोनों की बातें सुन के वहाँ और भी औरतें रोती हुई आती हैं। अरे बहनों, हमारे पति भी जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। जब से वो नई सब्जी वाली आई है ना गांव में, तब से ये सब होने लगा है। बात तो सही कहती हो तुम बहन, सच जानने का मेरे पास एक उपाय है, आ जाने दो उसे। शाम होते ही वो चुड़ैल सब्जी वाली फिर आती है सब्जी बेचने। बहन जरा सब्जी देना। ले लो ले लो और ले लो, आज तो और भी मजा आएगा। जब चुड़ैल सब्जी वाली वापस जाने लगती है तो रमा और कुसुमा चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। अपने घर पहुंचते ही सब्जी वाली चुड़ैल बन जाती है। आज रात तो बहुत मजा आने वाला है, आज फिर से जाऊंगी देखने। सब्जी वाली को चुड़ैल के रूप में देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं, मानो आज सूरज पश्चिम की जगह उत्तर में डूबा हो। अरे कुसुमा बहन भागो, ये तो चुड़ैल निकली, भागो अपनी जान बचा के भागो। अरे बहन शांत रहो, यहाँ तक आए हैं तो अब सारी बात जान कर ही जाएंगे। वे दोनों छुप छुप चुड़ैल बातें सुनती हैं। ये मेरी सब्जियाँ ही मेरी शक्ति हैं, इन सब्जियों को मैं बुरी शक्ति से उगाती हूँ, जो पेट में जाते ही उन लोगों को मेरे बस में कर देती है। धीरे धीरे पूरा गांव मेरी बुरी शक्तियों में जकड़ जाएगा, फिर पूरे गांव पे मेरा ही कब्जा होगा। चुड़ैल के शैतानी इरादे सुन के दोनों हक्का बक्का रह जाती है। नहीं कुसुमा बहन, हम अपने पतियों को इन चुड़ैल के बस में नहीं जाने देंगे, हम अपने सुहाग को बचा के ही रहेंगे। पर हम करेंगे क्या, ये चुड़ैल तो बहुत चालाक है। तभी वो दोनों देखते हैं कि चुड़ैल अपनी शक्तियाँ उस बागान में उगी सब्जियों में डाल रही होती है। मुझे सब समझ आ गया है कि हमें क्या करना है, चलो वापस अपने घर चलते हैं। अगली सुबह चुड़ैल सब्जी वाली बनके सब्जियां बेचने गांव आती है। वहां रमा और कुसुमा एक आदमी के साथ उसके बगान पे पहुंच जाती है। ठीक है बिटिया, तुम दोनों के इरादे इतने पक्के हैं कि तुम लोगों के पतियों पे कोई बुरा साया नहीं टिक सकता। फिर हरिया काका एक ट्रैक्टर में बैठते हैं और ट्रैक्टर से उस बागान की सारी सब्जियां उखाड़ देते हैं। जैसी जैसी सब्जियां जड़ से उखड़ना शुरू होती हैं, यहाँ सब्जी वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल है, अपनी अपनी जान बचा के भागो। सब गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है, सब सब्जियां यहाँ वहाँ फेंक फेंक के भागने लगते हैं। पर ये क्या, चुड़ैल तो खुद ही बेचैन होने लगती है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, नहीं 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 नहीं। चुड़ैल भागते भागते अपने सब्जियों के बागान की तरफ आती है। भाग जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ भाग जाओ मेरे बागान से, मेरी सब्जियाँ ही मेरी ताकत है, हटो वहाँ से, हटो हटो हटो, वरना मैं एक एक को खा जाऊंगी। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुझे क्या पता एक पत्नी की ताकत क्या होती है, एक पत्नी अपने पति को यमराज से भी वापस ला सकती है। और देखते ही देखते पूरा बागान तहस नहस हो जाता है और सब्जियों के साथ साथ चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है।